लाइव सिटीज में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। कर्पूरी ठाकुर की आज 96वीं जयंती है और अभी हम भाजपा दफ्तर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मनाया जा रहा है, पूरी भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ साथ नेता भी मौजूद हैं। बिहार प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के संजय जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और कृषि मंत्री प्रेम कुमार यहां पर मौजूद हैं और भाषणों का दौर चल रहा है। वीडियो में देखिएगा कैसे स्वागत किया गया सबका, कैसे कर्पूरी ठाकुर के फोटो पे उन्हें फूल अर्पित की गई और ये सब देख सकते हैं। यहां पर बहुत सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि कर्पूरी ठाकुर की जयंती है और यहाँ पर सब मौजूद हैं, क्या कहना है उनका। आइए सर, कर्पूरी ठाकुर की जयंती है, क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे सभी नेता आपके मौजूद हैं, हमारा अध्यक्ष जी बोलेंगे, बोलिए भाई। नहीं नहीं, आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो माननीय कर्पूरी ठाकुर जी की तैलचित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए, और गुदरी के लाल कहे जाते थे हमारे माननीय कर्पूरी ठाकुर जी, जो कि आज उन्हीं की देन है कि OBC की आरक्षण फार्मूला दिया। आज उन्हीं की जयंती में हम लोग पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं। अंकित सिंह नाम हुआ मेरा। कर्पूरी ठाकुर को सभी अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। भाजपा कह रही है सबसे ज़्यादा हमारे नज़दीक थे, कांग्रेस भी वैसे ही कहती है, लोजपा भी वैसे ही कहती है, क्या कहना है इस पर? नहीं, भाजपा जो है कर्पूरी ठाकुर को बढ़िया जन्मदिन मनाती है और उनका उनके विचारधारा पर काम भी करती है। हर पार्टी का अपना अपना विचारधारा है। तो यहाँ पर सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं। आपका नाम क्या हुआ? रीता देवी जी। कर्पूरी ठाकुर की जयंती जी पे आई हैं, क्या कहना चाहें? हम लोग बड़े उत्साह से मना रहे हैं कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती, और वो गरीब के मसीहा थे और गांव-गांव में जाकर पैदल, और जो भी मिलता था भूखे प्यासे वो खाते थे, जो भी मिलता है साग मकई का रोटी जो भी वो खाते थे, और गरीबों का दुख दर्द बांटते थे, और समाज में सामाजिक नेता भी थे, और वो बहुत ही अच्छे। यहाँ पर देख सकते हैं पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है, सभी नेता बारी बारी से भाषण दे रहे हैं, सभी कर्पूरी ठाकुर के गुणगान कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। सभी का अंदाज अलग अलग है, अपना तरीका है। देख सकते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा है, कार्यकर्ताओं में जोश है, नेताओं को सुन रहे हैं, वो सभी अपने बारी बारी से आकर यहाँ पर भाषण दे रहे हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पर पूरा मंच बना हुआ है और मंच पर सबको एक एक करके आ रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। आपने विजुअल में भी देखा होगा जैसे कि कर्पूरी ठाकुर के फोटो पे पुष्प अर्जित की गई, उसके बाद सभी नेताओं को एक बड़ा सा माला पहनाया गया वेलकम करने के लिए, और यहां से हम पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। हर छोटी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहें लाइव सिटीज के साथ। जैसे ही और कुछ होता है हम आपको अपडेट रखेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।